स्वागत है आपका। मैं हूँ आपके साथ इंद्रजीत कौर और इस वक्त की हरियाणा और हिमाचल की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंजाब को नसीहत दी है कि पंजाब को सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने SYL पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उधर हरियाणा के वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने हरियाणा की पूर्व की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। कैप्टन का कहना है कि SYL पर ऐतिहासिक फैसला आया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो काम 10 साल पहले होना चाहिए था वो अब हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से SYL पर फैसले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार के असंवैधानिक एक्ट को रद्द किया है। साथ ही हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ खड़े दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हमको तो सुप्रीम कोर्ट का मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार का जो असंवैधानिक एक्ट है उसको रद्द किया है और ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। 10 साल तक किसके प्रभाव में, दबाव में, किस सौदेबाजी के तहत अपनी कुर्सी के लिए हरियाणा के करोड़ों किसानों को नुकसान पहुंचाने का आज माफी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा के जनता से मांगनी चाहिए। जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे लेकर पंजाब सरकार पर निशाना साधा, वहीं सूबे के कैबिनेट मंत्री और पंजाब BJP के सह चुनाव प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु भी इस मुद्दे पर पंजाब सरकार के खिलाफ ही नजर आए। कौन क्या कहता है इससे कोई अर्थ नहीं है। ये देश कानून से चलता है, ये देश संविधान से चलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो देश के संविधान कानून के दायरे में ही अपनी बातें रखेंगे। आजकल हरियाणा और पंजाब के सियासी गलियारे में हर जगह SYL के मुद्दे पर चर्चा होती नजर आ रही है। मेवात से अनिल मोहनिया के साथ ललित शर्मा, Zee Media, चंडीगढ़।